चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी अपनी ताकत। प्रधानमंत्री ने झारखंड और पश्चिम बंगाल रैलियों को किया संबोधित, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं जनसभाएं और रोड शो। चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता अक्षय कुमार को दिया गैर राजनीतिक साक्षात्कार। विपक्षी नेताओं से मित्रता और अपनी रुचियों के बारे में खुलकर किया संवाद। तीसरे चरण का मतदान संपन्न। देश की 117 और प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के भाग ईवीएम में बंद। 66% हुआ मतदान। छठे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई पूरी। 14 सीटों पर 332 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 12 अप्रैल को इन सीटों पर डाले जाएंगे वोट। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के लोहरदगा में चुनावी रैली की। इसके अलावा प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल के बोलापुर और राणाघाट में चुनावी रैलियां करने का भी कार्यक्रम है। झारखंड के लोहरदगा में प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि महागठबंधन में कोई पीएम पद का उम्मीदवार है ही नहीं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल की उपलब्धियां भी गिनवाई। देश की जनता जब अपने चौकीदार पर इतना प्रेम बरसा रही है तो बेचारी उस मशीन को भी गाली खानी पड़ रही है, उसके नसीब में भी गाली आ रही है। साथियों, ईवीएम पर विपक्षियों का ये रोना इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये लोग इन महामिलावटियों को वोट देकर अपना वोट बेकार नहीं जाने दे रहे। चुनाव के सरगर्म माहौल में जब चारों राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगी हो, ऐसे में हल्के फुल्के पहलुओं पर बात करना ठंडी हवा के झोंकों की तरह होता है। कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अभिनेता अक्षय कुमार के साथ अपने जीवन के अनछुए पहलुओं पर बात की। इस गैर राजनीतिक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी नेताओं जैसे गुलाम नबी आजाद और ममता बनर्जी से उनके मित्रवत व्यवहार हैं। बहुत अच्छे दोस्त, आप अभी भी उनके साथ कभी चाय पीना? बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साल में एक दो बार साथ खाना भी खाते हैं। अच्छा, हाँ। अब मैं खैर वो फॉर्मल होता है क्योंकि हम तो कैमरा में देखते हैं, हम तो मीडिया के सामने, मीडिया जो दिखाती है हम तो वही देखते हैं, हमको तो पता ही नहीं होता। बहुत पहले की बात है, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन किसी काम से मैं शायद पार्लियामेंट गया था और गुलाम नबी आजाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। फिर हम बाहर निकलते तो मीडिया वालों ने पूछा, कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त मारते हो, तो तुम तो बोले आरएसएस वाले हो, गुलाम नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे? हाँ। तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया, हम दोनों खड़े थे, बोला देखो भाई बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है, शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, हाँ, वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते। आपको हैरानी होगी और वैसे मैं ये बोलूंगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है लेकिन ये ममता दीदी, हाँ, साल में आज भी मुझे एक दो कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए एक दो कुर्ते भेजती है। अच्छा, दैट इज समथिंग वेरी बिग टू नो अबाउट सर। अच्छा, मिठाई भी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती। अच्छा, हाँ, स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में एक दो बार मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज प्रदेश के फतेहपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद उनका महोबा और हमीरपुर में रोड शो का भी कार्यक्रम है। वहीं राहुल गांधी का आज प्रदेश के लखीमपुर खीरी उन्नाव और कानपुर में चुनावी सभाएं करने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ललितपुर की धरती बुंदेलखंड में बहुत बड़ा महत्व रखती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विकास होने से यहां के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहां पेयजल की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट भी दिया गया है। महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई में जनसभा की। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि किसी के बहकावे में न आकर उन्हें महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना चाहिए। चुनाव इस बात का है कि हमारा देश बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में भरोसा खत्म कर दिया है। जहां भरोसा खत्म कर दिया, हम एक दूसरे के बीच में बांटने का काम किया भाजपा ने। कभी हमें जात के नाम पे लड़ा दिया, कभी धर्म के नाम पे लड़ा दिया, कभी दूरियां बना दी और न जाने कैसे कैसे खेल खेले हैं। जो अंग्रेज करते थे, जो अंग्रेजों ने किया हमारे साथ आपके साथ, बांट दो और राज करो। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल 15 राज्यों की 117 सीटों पर शाम 7 बजे तक 66% मतदान हुआ। सीटों के लिहाज से सबसे बड़े इस चरण में 117 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। मतदान में हर उम्र के लोगों के बीच वोटिंग के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देश के चार अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी के लिए आम जन का उत्साह दिन भर हिलोरे मारता रहा। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, हर कोई इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहा था। देश की 543 में से 117 सीटों पर मंगलवार सुबह से मतदान शुरू हुआ। कुछ संवेदनशील जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पर मतदान शाम 6 बजे खत्म हुआ। हालांकि कई जगहों पर मतदाताओं की लंबी कतारों के चलते निर्धारित समय के बाद भी वोटिंग जारी रही। The voters across 117 parliamentary constituency in 15 states and union territories exercise their constitutional mandate. These account for about 20% of the total seats of Lok Sabha. A total of 22 states and union territories have concluded their elections completely by the third phase, that is today. So polls were by and large peaceful. मंगलवार को जिन 117 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ वो 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हैं। इस चरण में 18 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मतदाता थे, जिन्होंने 1640 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। चुनाव के लिए बनाए गए मतदान बूथों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पूरी तैयारी की गई थी।
लाखों कर्मचारियों के साथ ही केंद्रीय और राज्य के सुरक्षा कर्मियों को मतदान की प्रक्रिया में लगाया गया था। सबसे पहले बात गुजरात की करें तो तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए मतदान हुआ। राज्य में आम तौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। केरल की सभी 20 सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो गया। राज्य में मतदाताओं में जोरदार उत्साह दिखा। तीसरे चरण में महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14-14 सीटों पर भी मतदान हुआ। महाराष्ट्र में मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। तीसरे चरण के लिए कुल 12,128 मतदान केंद्र तथा 20,116 मतदेय स्थल बनाए गए थे। तेज गर्मी के बावजूद मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। हालांकि रामपुर और बदायूं में कुछ जगहों पर मतदान के दौरान गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आईं। मंगलवार को ही पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम और उड़ीसा में भी मतदान संपन्न हो गया। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए व्यापक तैयारियां की थीं। असम में कुछ स्थानों पर ईवीएम में गड़बड़ी की रिपोर्ट मिली, जिसके बाद खराब मशीनों को तत्काल हटा दिया गया। मंगलवार को ही ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भी वोट डाले गए। इस चरण में राज्य विधानसभा की 42 सीटों के लिए मतदान हुआ। वहीं बिहार की 5 लोकसभा सीटों के लिए भी तीसरे चरण में मतदान संपन्न हुआ। गोवा की दोनों लोकसभा सीटों के लिए भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। साथ ही राज्य में विधानसभा की 3 सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले गए। वहीं जम्मू कश्मीर की 1 सीट अनंतनाग के लिए भी मतदान हुआ। राज्य में चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। बात अगर पूर्वोत्तर भारत की करें तो यहां त्रिपुरा पूर्व सीट पर मतदान संपन्न हो गया। दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव की 1-1 सीटों पर भी मतदान संपन्न हो गया। तीसरे चरण में जिन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई, उनमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, अनंत कुमार हेगड़े और रमेश चंदप्पा, एनसीपी की सुप्रिया सुले, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के आजम खान, बीजेपी से जया प्रदा और वरुण गांधी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव शामिल हैं। कुल मिलाकर 3 चरणों में 302 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है, तो अनंतनाग सीट पर 3 चरणों में मतदान होगा। अब तक के 3 चरणों की वोटिंग के उत्साह के बाद अब सबकी नजरें बाकी चरणों पर होंगी कि क्या ऐसा ही उत्साह बाकी चरणों में भी दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी वेंकटेश्वर लू के साथ आईजी कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव अधिकारी वेंकटेश्वर लू ने बताया कि तृतीय चरण में मतदान सकुशल संपन्न हुआ। 12 जिलों, 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इन 10 लोकसभा सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या 1,78,10,946 है। कुल 10 सीटों पर 60.52% पर मतदान हुआ, जबकि 2014 में इन सीटों पर 61.48% हुआ था। इस बार मतदान प्रतिशत में भी 2014 की अपेक्षा कमी पाई गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेंकटेश्वर लू ने बताया कि आगरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के एतमादपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदेय स्थल संख्या 455 पर हुए मतदान को शून्य घोषित करते हुए 25 अप्रैल को पुनः मतदान कराया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में जमकर प्रचार किया। वहीं उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में थी, जहां उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। इस बीच कांग्रेस के बड़े नेताओं ने नामांकन पत्र भी दाखिल किए। मंगलवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के साथ ही बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर रहा। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शहडोल और जबलपुर के अलावा राजस्थान के डूंगरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। डूंगरपुर की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि अरबपति लोन लेते हैं तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, जबकि किसान अगर ऋण ना लौटाए तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों को स्थिति से नहीं जूझना पड़ेगा। क्या ये आपको सही लगता है कि हिंदुस्तान के अरबपति जितना भी कर्जा लेना चाहे ले लें, बैंक से वापस ना दें और वो जेल ना जाए, और हिंदुस्तान का किसान आदिवासी 20,000 रुपए ले कर्जा और कर्जा वापस ना दे, एकदम वो जेल जाए? क्या ये आपको ठीक लगता है? हमने निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय, 2019 के चुनाव के एकदम बाद कानून बदला जाएगा। हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जा पाएगा। राहुल गांधी ने बाद में जबलपुर में भी रैली को संबोधित किया और कहा कि उनकी सरकार आने पर नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 27,000 युवा
24 घंटे में हिंदुस्तान में आज रोजगार खोते हर रोज। मैं आपको यहां 2 करोड़ युवाओं का झूठ नहीं बोलूंगा, मगर मैं आपको यह बता दूंगा 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली हैं, मैंने पता लगाया है। 22 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी 1 साल के अंदर रोजगार दिलवा देगी, 22 लाख सरकारी नौकरियां दिलवा देगी, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में कांग्रेस पार्टी रोजगार दिलवा देगी। वहीं पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को सबसे पहले रायबरेली जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने चिकित्सीय सुविधाओं का जायजा लिया और साथ ही भर्ती कार्यकर्ताओं का हालचाल लिया। रविवार की देर शाम भूएमओ गेस्ट हाउस में आए कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता कार दुर्घटना में जख्मी हो गए थे। इसके बाद वो बीते सप्ताह दिवंगत हुए विधायक रहे देवी दयाल शास्त्री के घर पहुंची और परिवार के साथ दुख बांटा और ढाढ़स बंधाया। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए और कई अन्य लोगों से भी मुलाकात की। पार्टी ने अभी फैसला नहीं किया, जब फैसला करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बनास लड़ेंगे? आप लड़ेंगे? मैंने बार बार कहा है कि जो पार्टी चाहेगी मैं करूंगी। इस बीच लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन का सिलसिला जारी है। दिल्ली की उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित ने आज दलबल के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने भी नई दिल्ली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने पूर्वी दिल्ली से तो मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस की तरफ से दक्षिणी दिल्ली से पर्चा भरा। फाइल जैसे किया जाता है वैसे किया है, और जो गाइड के दिया था तो फॉर्म्स भरनी थी वो भर दी और दे दी। अब देखिए क्या नेचुरली जो हमारा फाइट है वो टफ है, लेकिन करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत से नामांकन दाखिल किया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की शिमला सीट से पार्टी के उम्मीदवार कर्नल धनीराम शांडिल ने पर्चा भरा। डीडी न्यूज। गोंडा जिले के 57 कैसरगंज लोकसभा के प्रत्याशी विनय कुमार पांडे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व नाथ संप्रदाय पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गौरतलब है कि भाजपा की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। वीडियो फुटेज देखने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसे आचार संहिता का घोर उल्लंघन, संप्रदाय विशेष पर भड़काऊ भाषण, मुख्यमंत्री के विरूद्ध अपमानजनक टिप्पणी का आरोपी पाया। इसे लेकर मंगलवार देर रात कैसरगंज के आरओ को केस दर्ज कराने के लिए आदेश दिए, जिस पर कैसरगंज आरओ एसएस प्रजापति ने कोतवाली नगर में तहरीर दी पर कई धाराओं में कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। लोकसभा 57 कैसरगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री विनय पांडे उर्फ बिन्नू द्वारा एक प्रेस वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को अभद्र टिप्पणी करने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर थाना कोतवाली नगर गोंडा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल जहां अपने अपने प्रचार में लगे हैं, तो वहीं तमाम क्षेत्रीय दल भी अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। प्रदेश के फर्रुखाबाद में सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में बसपा प्रमुख मायावती ने कल जनसभा की। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला और कहा कि दोनों ही दलों की नीतियों के चलते देश में आज भी गरीबी खत्म नहीं हो पाई है। लोकसभा के बचे हुए चुनावी चरणों के लिए प्रचार अभियान लगातार जारी है। बिहार में गठबंधन की ओर से प्रचार तेजी से चल रहा है। बिहार में आरजेडी के प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी दरभंगा पहुंचे। तेजस्वी यादव ने गठबंधन की जीत का भरोसा जताया और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। महाराष्ट्र में प्रचार में जुटी शिवसेना ने एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि किसी भी दल या गठबंधन को सफलता नहीं मिलेगी, देश में सिर्फ एनडीए की ही लहर चल रही है। जो चित्र मेरे सामने है, जो राज्यों राज्यों से मेरी बात होती है, तो इस देश में किसी एक पार्टी की सत्ता अब नहीं आएगी। सत्ता आएगी एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रमुख साझेदार है। प्रधानमंत्री उनका बनेगा और हम सब एनडीए के अलाइज है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने एक सामूहिक बैठक की और बाद में मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ईवीएम के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। Because for the last three
poll, three phases of election, we got some more information. Where malfunctioning or non-functioning or manipulation or suspicion, all these things we are having some data. उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को एक जनसभा की। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला और कहा कि दोनों ही दलों की नीतियों के चलते देश में आज भी गरीबी खत्म नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान ही सबसे ज्यादा जो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अन्य समाज के गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा रोटी रोजी के लिए पलायन कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान में हुआ था। ये भी आप लोगों को मान के चलना चाहिए। इस बीच अकाली दल ने भटिंडा और फिरोजपुर से अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने हरसिमरत कौर बादल को भटिंडा से प्रत्याशी बनाया है, जबकि फिरोजपुर से पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल चुनाव लड़ेंगे। इन दो प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही अकाली दल ने अपने हिस्से के सभी 10 सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने अपने हिस्से की 3 लोकसभा सीटों में से अभी तक 1 सीट पर ही प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि 2 अन्य सीट पर प्रत्याशी का चयन बाकी है। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन ना हो पाने के बाद दिल्ली की सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि देश में गैर भाजपा सरकार ही बनेगी। पंजाब में दिल्ली में समझौता होता तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता था। विपक्ष की ही सरकार आएगी, एंटी बीजेपी सरकार देश में आएगी और ये आप 23 मई के बाद देखिएगा। हरियाणा के सोनीपत लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने नामांकन से पहले रोड शो भी किया। दिग्विजय चौटाला ने अपनी जीत का भरोसा जताया। कुल मिलाकर तमाम क्षेत्रीय दल प्रचार में जुटे हैं और अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। न्यूज 9 डेस्क, ईडी न्यूज। मिलते हैं एक विराम के बाद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े हमारे ट्विटर हैंडल अकाउंट से @DDNewsUP पर या हमारे फेसबुक पेज से जुड़े DDNewsUP पर। यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए लॉगिन करें DDNewsUP। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए प्रदेश में मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन था। इस चरण में लोकसभा की 14 सीटों पर 12 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। 14 लोकसभा सीटों पर कल समाप्त हुए नामांकन की अवधि तक 332 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र भरे हैं। 6ठे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर और भदोही लोकसभा सीटें शामिल हैं। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के लिए सपा बसपा गठबंधन से बसपा, कांग्रेस व भाजपा सहित 19 लोगों ने नामांकन किया। नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब सभी दल अपने चुनाव अभियान में जुट गए हैं। सभी प्रत्याशियों ने रोड शो व जनसभा कर अपना नामांकन किया है। बसपा नामांकन में जहां सपा के पूर्व मंत्री SP यादव शामिल रहे तो भाजपा के नामांकन में विनय कटियार व सुभाष यदुवंशी जैसे नेता ने नामांकन कराया। सभी प्रत्याशियों ने क्षेत्र के विकास का वादा कर जन समर्थन हासिल करने का प्रयास किया। रहा है चाहे 5,000 करोड़ के 240 किलोमीटर की नई रेल लाइन की परियोजना हो, चाहे चाहिए के नाम से मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो, चाहे श्रावस्ती हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का काम हो और आगे भी, चूंकि हमारे दोनों संसदीय क्षेत्र के दोनों जनपद आकांक्षा जिले हैं, एक्सपोशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, तो अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। समय समय पर जो है आप सब लोगों को जानकारी उपलब्ध। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सिंगल करके चुनाव लड़ने का काम हम कर रहे हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं विकास की वो पूर्ण कराई जाएंगी। शिक्षा व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। अब नेता जनता के द्वार, दावों और वादों की होगी पड़ताल, क्या चाहती है जनता, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ, लोकतंत्र का उत्सव जनता है भागीदार।
देखिए जनादेश 2019 रोजाना 7:30 से 8 बजे डीडी उत्तर प्रदेश पर। यूपी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर हत्या मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला को गिरफ्तार किया है। रोहित शेखर तिवारी मौत के मामले में कई बार बयान बदलने के चलते पुलिस को अपूर्वा पर शक था। क्राइम ब्रांच की टीम ने रविवार को नौकर भोलू उर्फ भोगेंदर नौकरानी मार्था को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। हालांकि देर रात तीनों को छोड़ दिया गया था, लेकिन आज पुलिस ने अपूर्वा शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। रोहित शेखर का 16 अप्रैल को निधन हो गया था, जिसके बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि रोहित की हत्या की गई है। रोहित की मां उज्ज्वला ने प्रॉपर्टी को लेकर रोहित की हत्या करने का शक जताया था। लोकसभा चुनाव 2019 में शत प्रतिशत मतदान हो और एक रिकॉर्ड बने, इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिला अल्पसंख्यक विभाग एवं एक निजी संस्था के तत्वाधान में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। लोकतंत्र के महापर्व को उत्सव के रूप में तब्दील करने के लिए उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई गई कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, साथ ही स्वयं मतदान करेंगे। वो अपने मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसियों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे प्रयागराज में रिकॉर्ड मतदान बन सके। तो सबसे मुख्य यही है कि हम 12 मई के दिन शत प्रतिशत मतदान करें। सबसे पहला काम मतदान, उसके बाद फिर और कुछ। जो आपने पिछला चुनाव में देखा होगा कि इलाहाबाद का मतदान प्रतिशत बहुत कम रहता है, उसको बढ़ाना है। हमें बाकी जहां अधिकतम मतदान हो रहे हैं उसमें अपने जनपद को, अपने लोकसभा क्षेत्र को शामिल कराना है। पूरे प्रशासन का, निर्वाचन आयोग का यही उद्देश्य है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जिला प्रयागराज में अत्यधिक मतदान हो, लोग अपने मत के का अधिक से अधिक उपयोग करें और प्रयागराज वोटिंग परसेंटेज के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराए, 100% मतदान हो। इसी के तहत हमने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया था वो अल्पसंख्यक विभाग और अलकौसर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में था। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी अपनी ताकत। प्रधानमंत्री ने झारखंड और पश्चिम बंगाल रैलियों को किया संबोधित, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं जनसभाएं और रोड शो। तीसरे चरण का मतदान संपन्न। देश की 117 और प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम में बंद। 66% हुआ मतदान। छठे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई पूरी। 14 सीटों पर 332 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 12 अप्रैल को इन सीटों पर डाले जाएंगे वोट। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।